देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में पेश 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। यह फैसला केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी समिति मतलब स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ आकांक्षा और आप सभी देख रहे हैं खबरें लाल टीवी। दरअसल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को वापस ले लिया है। यह विधेयक 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था। यह तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले लाए गए थे। इसके बाद तीनों विधेयकों को संसद की चयन समिति के पास भेजा गया था। समिति को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद में बिल पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इनका मकसद सजा नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। आइए समझते हैं कि IPC और CRPC क्या है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता IPC की धाराएं गंभीर अपराधों के मामले में लगाई जाती हैं। यह अपराधों की परिभाषा के साथ साथ उसके लिए तय सजा को बताते हैं। सिविल लॉ और क्रिमिनल भी IPC के तहत आते हैं। भारतीय दंड संहिता में 23 चैप्टर और 511 धाराएं हैं। पुलिस आपराधिक मामलों को IPC के तहत दर्ज करती है, लेकिन उसके बाद भी की प्रक्रिया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC के तहत चलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा आपराधिक कानून विधेयक और CRPC और IPC और CRPC धाराएं क्या हैं। हमारी अपडेट आपको कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी देख रहे थे खबरें लाल टीवी। मैं हूं आकांक्षा, धन्यवाद।